नमस्कार दोस्तों पॉलिटी से जुड़े इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज़ में मैं शगुन आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस आर बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस की दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि स्टडी आई ने एक स्टेट पी चैनल स्टार्ट किया है लॉन्च डे ऑफर्स और स्पेशल प्राइजेस ऑन वेरियस स्टेट पीसीएस कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी जिसने न सिर्फ आर्टिकल 356 के यूज को इलैबोरेट और क्लैरिफाई किया बल्कि इसके मिसयूज को भी रोका दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 यह कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग फंक्शन करने में सक्षम हो तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी का डायरेक्ट कंट्रोल ले सकती है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते वक्त बी आर ने किया था कि ये आर्टिकल के एक डेड लेटर की तरह रहेगा जिसे सिर्फ तभी यूज किया जाएगा जब किसी कारण स्टेट मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाए या स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट काम करने लगे लेकिन पॉलिटिकल कंसिडरेशन के चलते बार बार इस आर्टिकल का मिस होने लगा और ये आर्टिकल मोस्ट अब आर्टिकल बन गया एस आर बोमई केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ तो आइए देखते हैं कि आखिर ये केस था क्या दोस्तों एस आर बोमई नाइनटीन एटी एट से नाइनटीन नाइनटी नाइन के बीच कर्नाटका की जनता दल गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर थे 21st April 1999 कर कर लार्ज स्केल डिफेक्शन के चलते बोमई गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी खो चुकी है बोमई ने उस समय के गवर्नर वेंकटा को अप्रोच किया और अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए फ्लोर टेस्ट करवाने की बात की फ्लोर टेस्ट में वोटिंग के थ्रू ये एश्योर किया जाता है कि गवर्नमेंट लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस इंजॉय करती है या नहीं लेकिन गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट करवाने से साफ मना कर दिया और एस आर बोमई गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और स्टेट में प्रेसिडेंस रूल इम्पोज कर दिया गया जिसके चलते बोमई ने कोर्ट में रिट पटिशन फाइल की लेकिन कोर्ट ने उस रिट पटिशन को डिसमिस कर दिया और तब बोमई ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया पांच साल तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और फाइनली 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एस आरई गवर्नमेंट के डिसमिसल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए फ्लोर टेस्ट कराने की बात कही और ये भी कहा कि यदि कोई पार्टी मेजोरिटी प्रूव करने में असक्षम होती है तो दूसरी पार्टीज को भी मौका दिया जाना चाहिए साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की एब्सिल्यूट पार नहीं है प्रेसिडेंट सिर्फ तभी प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं जब उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने अप्रूव कर दिया हो और तब तक लेजिस्लेटिव असेंबली को केवल सस्पेंड किया जा सकता है साथ ही साथ ये भी कहा गया कि प्रेसिडेंट्स रूल का जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे एस आर बोमई केस की जजमेंट ने इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ प्रोवाइड किए उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफ में समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी आई एजुकेशन के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग